ਫਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲੂਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਜੀ 300 ਵਧਾਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 500 ਵਧਾਤੇ ਉਹ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਥੋਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਾਲ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਆਫ 12 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ वही ट्रॉली जो 3500 से 4000 में आती थी 21,000 रुपए की है चीफ मिनिस्टर साहब सर जी कह जवाब अहमद तुम्हारे दो मंत्री 92 एकड़ जमीन शामलाट की गुरदासपुर में फंसे हुए हजारों करोड़ रुपए की एक्साइज की चोरी हो रही है सर कौन जिम्मेवार आज गवर्नर साहब से बड़ी अच्छी मुलाकात बड़े ध्यान पूर्वक उन्होंने वार्तालाप की मुझे सुना और ये आश्वासन दिया कि जो आपकी ये प्लेट है मैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास ऑफिशियली भेजूंगा सो आई थैंक हिम आई अप्राइज हिम ऑफ द एंटायर सिचुएशन देखिए मैं आज फिर टंके की चोट पे ये कह रहा हूं कि जो लोग पिछली सरकारों को अली बाबा और 40 चोर कह के ये कहा करते थे कि हम बदलाव हैं आज वो अली बाबा की कुर्सी पे विराजमान होके उसी सिस्टम को सुपरवाइज कर रहे हैं और उसके कंट्रोलर इन चीफ एंड आई विल सप्लीमेंट इट विद फैक्ट्स फैक्ट्स आर स्टबर्न थिंग्स दे हैव अ हैबिट ऑफ स्टैबिंग यू इन द बैक इफ यू इग्नोर देम यू कैन नॉट इग्नोर दोज फैक्ट्स केजरीवाल साहब जो के पराकाष्ठा हैं झूठ बोलने की इससे बेहतर झूठ बोल नहीं सकता कोई और अब तो मैं ये कहूंगा कि ही इज मार्केटिंग इन चीफ ऑफ सेलिंग लाइज ही सेल्स दोज लाइज विथ सच ऑडेसिटी लोगों का मूर्ख बनाने में एक मास्टर क्लास है उनकी वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं अगर आप सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो मैं सुनाना चाहता हूं ले अभी वो जरा मोबाइल दे जरा मोबाइल लाना और वो क्या कह रहे हैं देखिए बड़ा आसान है पंजाब को चलाना पंजाब क्या है वो तो कुछ भी नहीं है तो ये तो जैसे गुड्डो गुडियों का खेल होता है ना हम 20,000 करोड़ रुपए रेते से निकालेंगे ला ऐसे और 34,000 करोड़ रुपए की चोरी हो रही है बजट से तो ये तो मैं तैयार लेके बैठा हूं तैयार हूं समझे नहीं ही वॉज लाइक अ माउंटेन इन लेबर सेंडिंग फोर्थ ग्रोन्स देयर वॉज मच एक्सपेक्टेशन इन द रीजन एंड ही लेड फोर्थ अ माउस 155 करोड़ रुपया फैंस कितना 155 करोड़ रुपया 155 और मैं तब भी कहता था कि तुम ठेकेदारों के नीचे दब गए हो ठेकेदारी सिस्टम खरीद चुका है हर पॉलिटिशियन को और तुमसे नहीं होने वाला समझा नहीं दब गया यार ठेकेदारा थले इस ठेकेदारी सिस्टम में 155 करोड़ दिए इन्होंने पहले साल हजूरे वाला आज का रेट मैं अमृतसर में 4 बार का एमपी रहा हूं ये भागता है मुझसे सवाल कर रहा हूं आज कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारा था हमने इकट्ठे मीटिंग की थी हमारे चीफ मिनिस्टर ने रेते का रेट थोड़ा था मैं फिर भी लड़ता था 300 रेते की ट्रॉली रेते की बड़ी ट्रॉली 3500 से 4000 में आती थी कितनी
3500 से 4000। आप जहाजगढ़ चले जाइए अमृतसर, आज वही ट्रॉली जो 3500 से 4000 में आती थी 21,000 रुपए की है। कितनी? 21,000 रुपए की। सी द काइंड ऑफ लूट ऑफ द एक्सचेकर। हजूरे वाला प्राइस नहीं है कोई देता की, वही ठेकेदारी सिस्टम। वो कहते थे 50 करोड़ दे दो हमें, फारिग कर दो, नहीं किया। अब मैं आपको और हैरानी वाले फिगर्स बता रहा हूं, एंड आई विल रिलीज दिस लेटर टू यू। अब आप देखिए, ओडिशा इज अर्निंग 50,000 करोड़ इनकम फ्रॉम माइनिंग, दैट इज मल्टी टास्किंग ऑफ माइनिंग। आई नो भी है उधर, ठीक है, मैं आता हूं उसमें। झारखंड इज अर्निंग 15,000 फ्रॉम माइनिंग, करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए रेत से कमाते हुए। कितनी? 8,000 करोड़ रुपए। हाँ जी, फिगर्स हैं ये, आप निकाल के उसको पढ़ सकते हैं, राइट। उसके बाद आइए जी आप पंजाब, 150 करोड़। अब आप देखिए आंध्र प्रदेश 4,900 करोड़, 300 किलोमीटर दरिया हमारा 1300, 170 साल के वो। 4,900 करोड़ आंध्र प्रदेश की इनकम। तेलंगाना यही 5,000 थी, वो चोरी में लग गए थोड़े बहुत, फिर भी वो चोरी करने के बाद भी उनकी इनकम जो है वो 3,500 करोड़। राजस्थान 12,000 करोड़। These are verticals from mining alone. हाँ जी, राजस्थान 12,000 करोड़। और छोड़ो यार, ये हरियाणा ना कोई दरिया, यमुना बुरा हाल, ठीक है, 1,000 करोड़ रुपये दो कमाते। हरियाणा इज अर्निंग 1,100 करोड़, 700, 800, 1,100। हाँ जी मान साहब, दस भाई मित्र प्यारे, ये वो सरकार है साहब, और इस बात को घर घर पहुंचाना, ये वो सरकार है जनाब जो कहा करती थी कि हम आते ही, और यही गवर्नर हाउस आते थे, ये यही पीटते थे छातियां, यही चीखते चिल्लाते थे और कहते थे कि सैंड की कॉरपोरेशन बनाएंगे, लिकर की कॉरपोरेशन बनाएंगे, जोर दी चीखा मार देंगे चीखा। लेकर यार दब गया ठेकेदार, यार अली बाबा, अली बाबा यार है? देखो 4,000 करोड़ रुपये, 3,500 करोड़ रुपये सिर्फ एप्लीकेशन। 2,00,000 रुपए जब स्टेट ओन कॉरपोरेशन होती है तो ऐसे होता है, फिर वो 10,000 करोड़ रुपए के L1 अपने मामे चाचे ताए 5 से 12% करके सारे खा लो, ये नहीं होता। सिर्फ एप्लीकेशन पे 2,600 ठेके, I'm talking about तेलंगाना, 2,600 ठेके, 2,00,000 रुपए फीस है जी, नॉन रिफंडेबल, जस्ट फ्रॉम एप्लीकेशन फीस 4,000 करोड़ रुपया, 3,500 करोड़ रुपया कमाए विदाउट सेलिंग एक बूंद शराब। टोटल अर्निंग ऑफ तमिलनाडु, मैं गलत था, मैं 35 कहता था, आई वॉज ऑलवेज सेइंग 15% इंक्रीज करते हैं, वो 15% इंक्रीज मैं भूल गया था। तमिलनाडु अर्न्स 44,000 करोड़ पर ईयर, पर ईयर शराब की खपत आधी। पंजाब 80 जी 300 बताते, ओह 80 500 बताते, ओ वाह तेरे बेवकूफ बनाना थोतो सिखे। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम, एस्पेशली जरा बंदा 20 साल लड़ाई लड़ता रहा। मित्र प्यारे काने नु ना बुला, दो अखा तेन बुला के देख, तेन मैं जलूस कर दूँ तेरा, चुटकले नहीं हूँ। पंजाब का भविख जेलां च दे, जो मर्जी कर, अभी तो बैठे हाँ। चीफ मिनिस्टर साहब सर जी दे जवाब, अहमत दे जवाब, सवाल नंबर 300 है तेरे को जवाब। बिजली फ्री, देखो बिजली का हाल,
30,000 करोड़ रुपए की बिजली पंजाब खरीद रहा है ऑन एवरेज ऑफ 12 रुपीज पर यूनिट, बाजार में मिलता है 2.5 रुपए पर यूनिट, बाजार में मिलता है 3 रुपए पर यूनिट, रिन्यूएबल एनर्जी 2.5। एंड द पीक सीजन यू विल बी बेफल्ड, पीक सीजन में 19 रुपए 21 रुपए पंजाब बिजली खरीद रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਪੀਪੀ ਆਤੇ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇਂਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ PSPCL 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਈ। ਦ ਡੈਟ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ, ਬੈਂਕ ਡੈਟ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਫਰੋਮ 17 to 18। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੰਬਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੰਬਲਿੰਗ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਇਟ ਵਿਲ ਕ੍ਰੰਬਲ ਐਂਡ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਬਾਊਂਡ ਟੂ ਹੈਪਨ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਚੇਂਜ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰੀ, ਅਖਬਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਜਾਂ 3 ਬਣਦੇ। ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਫਰੋਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਬਤਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਰ ਦੇਗੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਫੀਅਰ ਆਫ ਦ ਲਾਅ। नशा, मैं सुनाऊंगा आप सुनना, नशा इज कनेक्टेड टू ऑल दिस लॉ एंड ऑर्डर। जड़ा नशे करता उन्हें पता ही नहीं लगता मैं कर की रहा, 500 लोगों को मारी गई। नशा कहते अरदास करो, गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। अरदास करना नशा खत्म हो जू, फिर अरदास करने के 2.5 करोड़ रुपये मैं पहली बार चीफ मिनिस्टर को खर्च के देखे, वो पोलिटिसाइज कर, ਖਰਬਾਂ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਰਬਾਂ ਲੋਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਮਿੱਤਰਾ। ਹਰਭਜਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮੰਤਰੀ 92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਕੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੇਂ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, तुम उन बसों में चढ़ के आते हो जिनको तुम लाइसेंस कैंसिल करने की बात करते थे और गरीबों को एक एक गांव में एक एक लाइसेंस देने की बात करते थे। दिस इज 50,000 to 60,000 करोड़ रुपीज एंड इट डबल्स अप। जब आप सेंटर की स्कीमों में इसको डालोगे तो ये 1,00,000 करोड़ रुपया है ही है। तुम इस 1,00,000 करोड़ रुपए को जो डबल होता है, इसकी बजाय तुम 50,000 करोड़ रुपए कर्जा ले रहे हो, उस पर 30,000 to 40,000 करोड़ रुपए सूद दे रहे हो। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ 11 ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦਿਵਾਲੀ, ਮੁਫਤ ਕਾ ਚੰਦਨ ਘਿਸ ਮੇਰੇ ਨੰਦਨ। ਹੈਂ, ਆਈ ਟੋਲਡ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਰ 167 ਕੇ ਤਹਿਤ, 167 ਕੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਆਰ ਬਾਊਂਡ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਮੀ, ਦੇ ਆਰ ਬਾਊਂਡ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਐਨੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ। ਯੂ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰ ਐਨ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਯੂ ਕਾਟ ਦੀ ਮੈਗਾ। Didn't you? I'm asking you, the biggest hypocrite born on this earth, I'm asking you, weren't you given the Magasase Award for RTI questions? Do you dare to reply to all this? Hadam, ye mudde hain Punjab ke sir. ਜਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਡਾਇਵਰਜਨ ਕਰਨ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ, ਇਨ ਮੁੱਦੋਂ ਪੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਏ, ਇਨ ਮੁੱਦੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕੋ ਕਾ ਭਲਾ ਕਰਨੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਤੋਂ ਗੁਲਛਰੇ ਉਡਾਓਗੇ, ਫਿਕਸ ਵਿੰਗੋ ਮੇਂ ਬੈਠੋਗੇ, 50-50 ਗਨਮੈਨੋ ਕੇ ਸਾਥ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੂਮੋਗੇ, ਆਪ ਤੋਂ ਲੋਕੋ ਕੋ ਮਰਵਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਕੇ ਬੇਟੇ ਸੇ ਲੈ ਕੇ आज तक देखो किन कितनों के घर में गए हैं चीफ मिनिस्टर साहब, कितनों को इतना ही पूछा है कि बड़ी सहानुभूति है जी आपके साथ, एक दसो। हाँ जी, लेकिन ये कर्जे के पैसे पंजाब के लोग वापस दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस 67,000 करोड़। ये पॉलिसी मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, इन्होंने जो बनाई है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग से शराब, अलग से शराब के रेट कभी देखे हैं? नोटिफाई नहीं किया।
एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव अ डिफरेंट रेट, तो रात को तुम स्मगलिंग करो, ठान ठान ठान। हजारों करोड़ रुपए की एक्साइज की चोरी हो रही है सर, कौन जिम्मेवार? पंजाब इज लूजिंग थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन थेफ्ट। फैक्ट्रियों जो ट्रक निकल गया कोई एक्साइज, आज नहीं लड़ रहे हमें, 20 साल का ही लड़ाई है। और 20 साल दे जड़े चीफ मिनिस्टर आते कुंडल मार के पंजाब के खजाने दिता जाते, करजे ना सरकार चला, और करजे पंजाब के लोग वापस मोड़ते हैं। उस समझाना बड़ा जरूरी है, मैं समझा दूँ, एक दिन आएगा, विकल्प नहीं है। हूँ दिस इज अ लेटर दैट आई रिटन अबाउट हिज फिक्स्ड विंग्स, अबाउट द डिटेरियोरेटिंग लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हर चीज अबाउट द माफिया। PSPCL दी 30,000 करोड़ रुपए कमाई एट 12 रुपये 14 रुपये, पीक सीजन 21 रुपीज, वेयर एज यू कैन बाय द सेम इलेक्ट्रिसिटी फॉर 3 रुपीज पर यूनिट। एक कहते होंगे सी 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये केजरीवाल की स्टेटमेंट है, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, 50,000 करोड़ पहले महीने में ले आएंगे, अमन अमान और शांति, शांति जैसी भ्रांति पंजाब में नहीं है जी। बेअदबी 24 घंटे खा खत्म, ये सब पॉलिटिशियनों की जेब में जाता है। ले अभी सुना डेंजरस, तो सुनो जी, दी ग्रेट हिपोक्रेट हिज वोकल, तो सुनो जी, आवाज जाएगी क्या? मैं आ गया हूँ यहीं, ठीक है? हाँ जी, माइक के नेड़े कर लो। हाँ जी, हेलो जी, पेपर चेक लो, माइक पे पेपर चेक लो। 70,000 करोड़ का बजट है तो 34,000 करोड़ का भ्रष्टाचार में चला गया पैसा। अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जैसे दिल्ली में करा है, तो 34,000 करोड़ में 20,000 करोड़ का हिसाब लगाया, 20,000 मैंने हिसाब लगा रहते से, अवैध रेता और खनन चल रहा है, बंद करेंगे। आज नेताओं की जेब में जा रहा है वो पैसा, महिलाओं की जेब में जाएगा। फड़ लो पूछ, ओ चूठिया झूठ बोले कुआ काटे, किथे गई पट गई जेबा मित्रा। और बाकी पंजाब की जवानी वापस आएगी। ओ वाह तेरे झूठिया, हम नशा बंद करें। हेलो फड़ लो पूछ, सबकी इनकी साठ गांठ है, तुम्हारी नहीं है। नशा बेचने वाले अरदास करो उनके ना, मैं सबको भेज रहा हूँ आपको, सारी फोन पे ही था मैं सारा। माफिया को, नशा माफिया को खत्म करें, नशा माफिया को, और नशे से अपने बच्चों को बाहर निकाल, बच्चों को बाहर निकाल दे, अरदास कर। पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था, पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था कायम करेंगे। वाह, इतने बेअदबी के किस्से हुए यूं 24 घंटे में सॉल्व कर। लुक एट दिस हिपोक्रेट, लुक एट दिस लायर इन चीफ, लुक एट दिस मैन लाइंग ब्लेटेंटली। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने हार के झूठ बोले, हम लोग जो काम जो क्या उठी खड़ा, ऐसा नहीं कि हमारी पंजाब पुलिस इसके काबिल नहीं थी करने के, पर खुली झूठ दे दो, पंजाब पुलिस को खुली झूठ दे दो बस, खत्म है काम। देता देती खुली झूठ, 500 गन मैंने खड़े होंगे ब्याह च, हैं ये सबको भेजता हूँ मैं आपको, आप बताओ किसको भेजनी है, आप फॉरवर्ड कर देना, मैं अभी भेजता हूँ। माफिया खत्म, कठोर से कठोर सजा देंगे हम 24 घंटे। हमारी किसी से कोई सेटिंग नहीं है, पहले 75-25 अब 80-20 है,
ਲੋਕੀ ਟੋਪੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ साढ़े तीन लाख का करोड़ का कर्जा खत्म कर देंगे। कहाँ गया साढ़े तीन लाख करोड़? नेताओं की जेब में गया। हूँ कि ज्यादा मित्रा वो तो 20 चढ़ाते थे वो 15, तुम इसको टोटल कर लो 35, तुम 35 चढ़ा रहे हो एक साल में। लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ ऑल दिस लाइफ। लुक एट दिस। ये दूसरे स्टेट में जाके झूठ बोलते हैं। जो पार्टिया के नुमाइंदे जाते हैं, ओपोजिशन पार्टिया के नुमाइंदे जाते हैं, वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जाते। समझा नहीं समझा? तू मैं एक गल दस मित्र प्यारे, ये सवाल मैं पूछदा जवाब दिंदा मजबूरी च इत्थे आना, तू दे दिंदा मैनू जवाब मित्र प्यारे कर बहस। दूसरी गल नहीं नहीं मैं जवाब दे रहा, तू दे दिंदे मैनू जवाब। मैं थोनू 300 सवाल पूछू ऑन ऑल दिस, कदे किते कदे किते पंजाब के वक् वक् एरिया, फिर मैं रेगूलर प्रोसीजर के नाल ना 167 आई वेंट परसनली टू द ऑफिस। मैं कहना कहना सर मेरे से इन्ना प्रेसर पाता, मैं कहते पटियाले भज जा फैक्ट्री, मैं कहना अद्धे घंटे दिने जी। इज दिस वॉट इट इज? इज दिस वॉट पंजाब वोटेड फॉर? छोटा सवाल हो गया अगला। गवर्नर साहब को आने तो पहले तो मजबूरी चाहिए। ये सवाल मैं 200 बार पूछ चुके हैं, या तो एक है कि मैं इतने पहला आया तो बाद सवाल किए। ये सवाल तो पंजाब की गली गली खड़ के मैं पूछ चुके हैं दोस्त, हर जगह हर मोहल्ले हर गली। आ मित्र प्यारे आ बैठ। आम आदमी पार्टी कहती है कि आप सरकार के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन आपके साथ कांग्रेस का कोई नेता नहीं होता है। मेरी और आप जाते हैं। यार मेरी एक गल सुन, चार बार एमपी बनिया, लोगों ने जिताया, एमएलए बनिया, चेयरपर्सन बनिया, ठीक है। मैंने एक गल दस, एक वर्कर आके गल नहीं कर सकता तेरे है दम जवाब देने की? तू कि बार बने एम एल ए? फिर तू 3 बार इलेक्शन हारे, सुखबीर ने तेन गड्डी चलाता जी, उतरो जोकर मैं तेन लै गया, भुल गया दिन? भुल गया तेरिया जमानत जब्त हुई 2 बार? तू कि तौस दिना मित्रा? ये वक्त बदलेगा, तू इतने खड़ नहीं सकेगा। ये हिम्मत है ना छोटे वीर भगवंत मान साहब, मेरी तेरे कोई परसनल रंजिश नहीं है, ना सी ना रहूगी कदे। मैं सवाल उदों भी बादल साहब नूं करदा सी, मुख्यमंत्री लाने मेरी किस्मत च लिखिया वो लाहे, ठीक है। फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी यही सवाल करता सी, तो नहीं करता सी, ठीक है। फिर उदू बाद साडा बंदा आया, उहनूं भी कीते, उह तां लखां गुणा चंगा सी, 3500 दी ठाली वेंदे 21000 दी, गरीब मकान बनाउण हट गए मित्रा, सारा ठप, मिस्त्री ठप, सब कुछ ठप, रेट है नहीं रेते दा, ये की कह के आए सी सरकार कहदे किस वादे दे उत्ते बनाई सी इन्होंने? मैं
ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਆਰਟੀਆਈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 200 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨੀ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖ, ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਦਾ ਐਮ ਪੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਐਮ ਪੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਤੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਐਟੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਜਾ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਮੈਗਾਸੈਸੇ ਅਵਾਰਡ ਕਾਹਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵਰਕ ਇਨ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿਦ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਨੌਟੰਕੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਖਤਮ, ਦੇ ਜਵਾਬ, ਓਪਨਲੀ ਖੜ ਕੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਟੂਡੇ ਡੇਟਾ ਰਿਵੀਲ 551 ਪਾਮ ਆਇਲ ਫੈਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਇਨ ਦਿਸ ਸੀਜ਼ਨ ਫਰ ਪਾਸਟ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟਿਸ ਇਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ जो चीफ मिनिस्टर बिलबिला के ऑपोजिशन में बैठा, ये कहता था कि सरकार 5,000 रुपए एकड़ किसानों को दे तो स्टबल बर्निंग नहीं होगी, जिसका आका ये कहता था कि मैंने घोल बनाया है, घोल छोड़ दो सब कुछ गल जाएगा, हाँ, वो सिर्फ एक महीने के लिए इस मुद्दे को उठाते हैं फिर भूल जाते हैं। देर आर नो सोल्यूशन दैट दे हैव गिवन, बस एक शब्दों की जिन्हों कहते ना गल्ला का कड़ा वो वरता दिता जाता है। इन पूछो कि आप मुख्यमंत्री साहब, जनाब, सर, हजूर, क्या आप नहीं कहते थे कि 5,000 रुपये सरकार की जिम्मेवारी है पर एकड़ दे किसानों को, किसानों का कोई कसूर नहीं है। तुमने कौन सी प्रोडक्टिविटी की पॉलिसी बनाई, तुमने कौन सी डाइवर्सिफिकेशन की, तुम्हारे पास पैसे नहीं, पल्ले नहीं ढेला कर दी मेला मेला, पल्ले नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, हैं इन्हें को बोला थक गया बोल बोल के, एक तो जवाब नहीं आता, थोथा चना बाजे गाना होता नहीं। तू उस सवाल पूछ लिया महाराज, गवर्नर साहब ने मैंने कहा कि मैं थोड़ी प्लेन चल रूप के भेजो, ही टोल्ड मी 167 के अंडर दे आर बाउंड टू रिप्लाई, ਬਾਊਂਡ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਐਮ ਪੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਤਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਵਨ ਆਨ ਇਟ ਡੈਂਜਰਸ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਯੋਗਾ ਚਲਾਓ, ਉਹ ਮੋਗੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਯੋਗੇ ਵਾਲਿਆ, ਮੋਗੇ 2400 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਡੈਰੀ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਜਨ ਆ ਇਹ, ਉਹ ਨਕਲ ਚੱਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਖਾਓਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਓਗੇ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ, ਅੱਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ, ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀ ਜਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, 67 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਊ, ਕਿੱਥੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਊ, ਨਗਦ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਨਗਦ ਨਾਰਾਇਣ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ,
क्यों मित्रा सरकार चलाउणी आउंदी नहीं कहना जी मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर मैं लाऊंगा यूनिवर्सिटियां दे वाइस चांसलर वो प्रोसीजर है प्रोसीजर बिना कि लग जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पता ही नहीं है मित्र प्यारे सर जनाबे वाली हजूरे वाला मित्र प्यारे तू दस तो सही हल तक कि बेनीफिट इंडस्ट्रियलिस्ट वो तो बाहर छड़ के भगी जाते हैं जोड़ा छोटा व्यापारी है ना उन्होंने अमन मान चाहिए उन्होंने मॉलों च गाहक चाहिए उन्होंने बिजनेस चाहिए हाँ जी इतने आ कैबिनेट की हूँ नोटिफिकेशन की है भी आ चीज़ा देवे की दिता शराब वाली नोटिफिकेशन हुई हुई है इतने 700 की बिकू इतने 600 की बिकू दो बंद L1 चुकाते मैं इन 100 बार कहा भी तू 10,000 करोड़ रुपए दे हो 12% तू वो कर ना तो दस कि मामे को कि चाचे को सवाल पूछी जाइए मैं थोड़ा पता मैं तो इतने पब लग गया मैं तो तुम्हें सारी शाम दे जाऊंगा पर अपना मेन मुद्दे जो है उन्होंने फोकस करिए तुम चिट्ठी दिना है देखो जी देखो देखो जी ईडी जो कर रही है वो बहुत गलत है और बहुत गैर कानूनी है तो जो जहां पे वो जो विजिलेंस कार्रवाई कर रही है वो किसके मामा के घर जाती है वो जो तुम्हारी विजिलेंस है वो किसकी कठपुतली है किसका तोता है वो बहुत सही काम कर रही है तुम जब तुम्हारे पीछे पड़ते हैं ना एलजी तो तुम चीखे मारते हो और यहाँ तुम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो यहाँ तुम आरटीए का जवाब नहीं देते यहाँ तुम चोरी ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो कोई एक बंदा फिगर का जवाब दे दे आवे जिथे मर्जी मैं ये बुलाऊंगा ना उत्थे पुलिस वाले दे अपने घरे बुलावे दो फेसबुक लावे एक सिद्धू की एक तेरी चला मित्रा तेना जवाब दे मन जू शोर बंदा नहीं जवाब दे सकता मॉरल अथॉरिटी चाहिए है मॉरल अथॉरिटी अली बाबा थैंक यू वेरी मच ब्रो आई स्टिक टू पंजाब One day I should say. Told you, I stick to Punjab. The law must prevail.